अहम खबर दें, निगरान हुकूमत का PTI क़यादत से राबता हुआ है। निगरान वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी ने रहनुमा PTI शफकत महमूद से मुलाकात की है। निगरान हुकूमत का PTI क़यादत से राबता, मुर्तज़ा सोलंकी की रहनुमा PTI शफकत महमूद से मुलाकात हुई है। सियासी सूरत हाल और शफाफ इंतखाबात से मुतालिक बातचीत हुई, इसी पर बात करेंगे। रेहान शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान शेख, बताइएगा मुलाकात में मज़ीद क्या बातचीत हुई। रेहान शेख, आप हमें सुन सकते हैं तो अपडेट कीजिएगा इस अहम मुलाकात के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए निगरान हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत से जो है वो रब्ता हुआ है। निगरान वजीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी जो है वो उनकी ख्वाहिश पर जो है मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ के जो शफकत महमूद से उनकी राइशगाह पर मुलाकात हुई है, और जिसमें शफाफ इंतखाबात के इनेकाद, सियासी जमातों के लिए इंतखाबात में शिरकत के मसावी हकूक के अहतमाम और दीगर चीजों पर गुफ्तगू की गई है। इसके साथ साथ साफ शफाफ इनेकाद के इंतखाबात के इनेकाद में निगरान हुकूमत की दिलचस्पी और इस हवाले से निगरान हुकूमत के फ्राइज पर भी खसूसी बातचीत की गई है। मुलाकात में कौमी सतह पर हम मांगी और मफाहमत के फरोग के इम्कानात, अहमियत और जरूरत पर भी तबादला ख्याल किया गया है। शफकत महमूद का ये कहना था कि इंतखाबात की अफादियत उनकी आजादाना, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इनेकाद की मरहून मिन्नत है। इसके साथ साथ शफकत महमूद का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिला शुबा बराबरी की सतह पर सियासी सरगर्मियों के मौके नहीं मिल रहे, और भी गिले शिकवे किए। और साथ में शफकत महमूद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्तूर के साय में इंतखाबात के साफ शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन तआवुन के लिए तैयार है। रेहान शेख, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।